ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं स्प्राउट सैलड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी लगती है। तो स्प्राउट सैलड के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार ली हूँ, जो मैं दिखा देती हूँ। खीरा 4 चम्मच छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, 1 छोटा टमाटर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, कुछ हरी धनिया की पत्ती फ्रेश यूज़ किए हैं, 2 चम्मच इसमें गाजर ग्रेट किया हुआ है और आधा इसमें नींबू का जूस है और 1 चम्मच इसमें हनी का यूज़ किए हैं, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई यूज़ किए हैं, सादा नमक इसमें 1/2 छोटा चम्मच है, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच है और 1/2 चम्मच इसमें चाट मसाला है। स्प्राउट सैलड के लिए सबसे पहले हम इसका स्प्राउट तैयार कर लेंगे। तो मूंग दाल का स्प्राउट हम लिए हैं सैलड के लिए। होल मूंग दाल को पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे और 8 से 10 घंटा तक 3 गुना पानी में डालकर इसको डुबा कर रख देंगे। 8 से 10 घंटा के बाद हम एक भीगे कपड़े में इसको बांध करके रख लेंगे और इसे हम थोड़ा गर्म जगह पे रखेंगे ताकि इसका स्प्राउट निकल आए, जल्दी निकल आएगा। और इस तरह से 1 इंच का स्प्राउट देखिए तैयार हो गया है। अब हम गैस चलाएंगे, उस एक बर्तन रखेंगे, उसमें पानी को बॉईल करेंगे। जब पानी बॉईल आ जाए तो हम इसमें स्प्राउट को डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा दो चुटकी नमक डाल देंगे और इसे मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इस तरह से देखिए बॉयल आ गया पानी में, इसको अच्छे से चला लेंगे और इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है और गैस का फ्लेम हम इस बंद कर देंगे और स्प्राउट को छान लेंगे। स्प्राउट से पानी बिल्कुल निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और स्प्राउट को डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज, खीरा, टमाटर और गाजर को डालकर मिला लेंगे। हम अपनी मनपसंद सब्जी का यूज कर सकते हैं और हरी मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। इसमें हरी धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और इसमें चाट मसाला और नमक डाल देते हैं, थोड़ा चटपटा लगेगा चाट मसाला से। और इसमें नींबू का जूस भी डाल देते हैं, बहुत अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा इसका। और इसमें हम हनी डाल देते हैं और इसे मिला लेंगे। स्प्राउट सैलड में बहुत प्रोटीन होता है और फाइबर होता है, तो हमें इसे ब्रेकफास्ट या लंच में हम इसको खा सकते हैं और ये वेट लॉस में बहुत ही मदद करता है। तो स्प्राउट सैलड की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।